A very warm welcome to the EVS class. I'm sure you all are happy, healthy and fit in your homes. You all are enjoying the online classes which are going on. Jo videos YouTube pe dale jaate hain, I am sure you watch those videos and at the same time you enjoy them. But you must be missing one thing, which is going to the school. I am sure you must be missing going to the school, meeting your friends, going to your relatives, going to your friends' home. जैसे अपने दोस्तों के घर जाना, अपने relatives के घर जाना, अपनी नानी या दादी के गांव जाना. I am sure ये सारी चीजें आप लोग जरूर miss कर रहे होंगे, because right now we are mostly confined to our homes. हम ज्यादातर अपने घर में ही रहते हैं and we are supposed to go out when it is extremely important. जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है then only it is advisable to go out. Of course ऐसा नहीं है कि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं. People are going out. जिनको काम है वो जाते ही हैं. ऑफिस में आपके पापा लोग भी रोज ऑफिस जाते होंगे. जिनकी शॉप्स हैं सब अपने शॉप में जाते हैं, सब काम पे जाते हैं. बट एट द सेम टाइम इट इज एडवाइज कि जिनको कोई काम नहीं है बाहर का, इट वुड बी प्रेफरेबल दैट दे स्टे होम. तो अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हो तो आई एम श्योर कभी कभी जरूर मिस करते होंगे फ्रेंड्स के साथ खेलना, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना. स्कूल आते हैं तो स्कूल में फ्रेंड्स से मिलते हो और कितने सारे काम करते हैं. छुट्टियों में आप अपने नानी के घर जाते हो, दादी के घर जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो आए वो सारी चीजें जरूर आप लोग मिस कर रहे होंगे कि अभी कहीं नहीं जा पा रहे हैं. एनीवे ऐसा तो हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो सब ठीक होगा. अब जो नॉर्मल लाइफ हमारी है जैसे हम पहले करते थे, फिर से वैसे ही घूमेंगे, वैसे ही फिरेंगे, वैसे ही सबसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे. नाउ how do you go to another place, how do you travel from one place to another place, ek jagah se dusri jagah kaise jate hain. sabse pehle to hame travel karna zaruri hota hai. we cannot sit at home all the time. har samay ghar pe tum nahi reh sakte. if not anywhere else at least we go to school every day. आप रोज स्कूल आते हो पढ़ने के लिए, हम रोज स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए. सो एटलीस्ट वी ट्रेवल टू स्कूल एवरी डे, वी कम बैक फ्रॉम स्कूल एवरी डे. सो दैट इन्वॉल्व्स ट्रेवलिंग, घर से स्कूल जाना, वेदर वी गो ऑन फुट, बाइसाइकिल पे जाए, स्कूटी पे जाए, बाइक से जाए, कैसे भी जाए, वैन से जाए, बस से आओ आप स्कूल, यू आर ट्रेवलिंग बाय सम वे, किसी भी तरह से, चाहे पैदल चल के चाहे किसी व्हीकल से स्कूल आ रहे हो, स्कूल से घर जा रहे हो. सो यू आर कमिंग टू स्कूल टू स्टडी, टू रीड एंड टू लर्न सो मेनी अदर थिंग्स. वी आर गोइंग टू स्कूल टू टीच यू एंड टू मेक यू लर्न डिफरेंट थिंग्स. आप स्कूल आते हो पढ़ने के लिए, हम स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए. ठीक है, सो दैट इज ट्रेवलिंग. गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज ट्रेवलिंग. सो चिल्ड्रेन in my previous class I started the lesson chapter number 12 means of transport. ye chapter maine start kiya tha. so we have done some part of the lesson. pehle ek bar usko revise karke then we will proceed. theek hai, is lesson mein learning objectives kya kya the. the learning objectives were, that means learning objective ka matlab hota hai ki pura lesson complete hone ke baad आप इस लेसन से क्या क्या सीखोगे, क्या क्या आप समझोगे, क्या क्या सीखोगे. तो चिल्ड्रेन मस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये लेसन पूरा होने के बाद आप जो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में आप समझोगे. देन व्हाई वी नीड टू ट्रैवल, हमें ट्रैवल करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आप वो सीखोगे, समझोगे. एंड डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग, डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग मतलब अलग अलग जो ट्रैवलिंग के तरीके हैं. ठीक है, ये सारी चीजें आप समझोगे. सो ट्रैवलिंग किसे कहते हैं,
ट्रैवलिंग इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही ट्रैवलिंग कहते हैं. वेदर यू गो टू द मार्केट, यू गो टू एनी शॉपिंग मॉल, कहीं पिक्चर हॉल गए, कहीं ऐसे ही घूमने गए, पिकनिक पे गए, और यू गो टू सम अदर प्लेस, अपनी नानी या दादी के घर गए, उनके विलेज में गए, आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए, कहीं घूमने गए. ऑल दीज इन्वॉल्व ट्रैवलिंग, ये सारी ट्रैवलिंग है. इसमें सब में ही तो ट्रैवलिंग है ना. घर से निकल करके मार्केट जाते हैं तो जरूरी तो नहीं है ना कि घर के एकदम बगल में ही मार्केट हो कि जहां पे आप पैदल पैदल भी चले गए. थोड़ा दूर पे अगर मार्केट है तो वी गो इधर बाय, या तो आप पापा की व्हीकल वगैरह से जाते हैं या हम रिक्शा करके जाते हैं, ऑटो रिक्शा करते हैं. सो ऑल दिस इन्वॉल्व ट्रैवलिंग. कहीं हमें व्हेन वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एनी प्लेस, वो कहीं भी हो सकती है. आप घर से पास में स्कूल भी आते हो, मे बी यू कम ऑन फुट, इतना पास घर में जो जीटीसी के अंदर रहते हो, सदर बाजार में रहते हो, स्कूल बहुत पास है, आप पैदल पैदल भी आ जाते हो, बट देन दैट इज ऑल्सो ट्रैवलिंग, वो भी तो ट्रैवलिंग है ना, बिकॉज आप अपने घर से स्कूल आ रहे हो एंड यू आर गोइंग बैक, स्कूल से घर वापस जा रहे हो. सो बोथ दीज आर ट्रैवलिंग. सो ट्रैवलिंग इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग इन आवर होम, और सब चीज हमारे घर के एकदम बगल में भी नहीं हो सकती है. बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल जाना है, कहीं जाने के लिए ट्रेन लेना है, वी गो टू द रेलवे स्टेशन, वी गो टू द बस स्टैंड. सो ऑल दिस इन्वॉल्व ट्रैवलिंग. ओके, एंड ट्रैवलिंग में अभी आप जो हम अलग अलग जो डिफरेंट मीन्स का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे अलग अलग तरीके से जो हम ट्रैवलिंग करते हैं, साइकिल से गए, ऑटो रिक्शा से गए, रिक्शा से गए, बाइक से गए, चाहे बस हो, ट्रेन हो, दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये अलग अलग वेज हैं. देन फिर हमने क्या देखा था, दीज आर डिफरेंट, इसको कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, दीज आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. उसके बाद हमने क्या देखा था, यस्टरडे वी सॉ सम पिक्चर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अभी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, देर आर थ्री डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, मीन्स मतलब जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं उसको कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज ऑन लैंड, इन वॉटर और इन एयर. मतलब ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनको या तो हम लैंड पे यूज करते हैं, और दे आर यूज इन वॉटर, पानी में, या एयर में. अभी इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो दीज आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसे हम बोलते हैं व्हीकल. एक जो कार, व्हाट इज कार, कार इज अ टाइप ऑफ व्हीकल. जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दे आर अ काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ व्हीकल, इनको हम व्हीकल बोलते हैं. ठीक है, सो ऑन पेज नंबर 72 यू कैन सी सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, दीज आर ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल, स्कूटर, बाइक और मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, शॉर्ट में उसको हम बाइक बोलते हैं, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, दीज आर ऑल नोन एज व्हीकल्स. ये सारे क्या है, ये सारे व्हीकल्स हैं. दीज आर ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दे आर नोन एज व्हीकल्स. देन फिर हमने क्या देखा था, वी सॉ सम मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दीज आर कार, वैन, बस, ट्रक, ई रिक्शा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा रन्स ऑन बैटरी. ठीक है, देन जीप इज देयर, ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, दीज आर ऑल डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सम आर प्राइवेट, सम आर पब्लिक. प्राइवेट मतलब जो हमारे अपने व्हीकल्स हैं, जैसे हमारी अपनी कार है, हमारी अपनी स्कूटी है, स्कूटर है, मोटर बाइक है, दीज आर ऑल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. बहुत लोग अपने प्राइवेट ऑटो रिक्शा भी रखते हैं. सो जिसमें हम जो हमारी अपनी होती है, दे आर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. एंड ऑटो रिक्शा है, रिक्शा है, जिसमें पब्लिक बैठती है, बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, दीज आर ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स विच एनी वन एंड एवरी वन कैन यूज.
अभी ऑटो रिक्शा में ये तो नहीं है कि बस कौन बैठ सकता है कौन नहीं बैठ सकता है, कोई भी उसमें बैठ के कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर मेंट फॉर द जनरल पब्लिक, एनीवन एंड एवरीवन, कोई भी और हर कोई उसमें ट्रेवल कर सकता है। ओके, व्हीकल्स मे बी बिग और स्मॉल, व्हीकल्स बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। जैसे साइकिल है, साइकिल इज अ स्मॉल व्हीकल, साइकिल को बहुत लोग ऐसे करके उठा भी लेते हैं, इसने देखा ऐसे करके उठा भी लेते हैं बहुत बार रेनी सीजन में, बहुत जैसे पानी पूरा भरा हुआ है सड़क पे चल नहीं पा रहे तो साइकिल को तो ऐसे करके भी उठा लेते हैं हम, बट वी कैन नॉट लिफ्ट अ स्कूटी और स्कूटर और मोटर बाइक और कार लाइक दिस, ऐसे करके हम इन सारे व्हीकल्स को तो नहीं उठा सकते हैं। सो सम आर बिग सम आर स्मॉल, ठीक है, साइकिल है, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है, दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल व्हीकल्स, जैसे ट्रक, बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, दीज आर ऑल बिग व्हीकल्स। कार्स हैं, कार भी बिग व्हीकल है, छोटी नहीं है कार भी। इन कार्स ऑल्सो देर आर कैटेगरी, स्मॉल कार्स आर ऑल्सो देर एंड बिग SUVs आर ऑल्सो देर। जितने भी ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसमें सिर्फ रिक्शा एंड साइकिल रिक्शा है विच डज नॉट हैव एनी इंजन, इन दोनों में कोई इंजन नहीं होता है, रेस्ट ऑल द व्हीकल्स हैव इंजन। इंजन होता है जो कि फ्यूल से चलते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, किसी भी चीज से। अभी तो सारे ऑटो रिक्शा बसेस वगैरह CNG से भी चलते हैं, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसे पोल्यूशन बहुत कम होता है। सो ऑल दीज व्हीकल्स हैव इंजन्स, इन सारे व्हीकल्स में इंजन होता है एक्सेप्ट फॉर ई रिक्शा जो कि विच रन्स ऑन बैटरी, जो ई रिक्शा होता है वो बैटरी से चलता है। अभी बैटरी से चलने वाली स्कूटीज भी आती हैं, जैसे स्कूटीज होती हैं तो बैटरी से चलने वाली स्कूटीज भी होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू ट्रैवल, हमें ट्रैवल करने की जरूरत क्यों पड़ती है। वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग नियर आवर होम, ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीज हमारे घर के एकदम पास में मिल जाती है, हमें उसे लेने कहीं ना कहीं जाना है, मार्केट जाना है, कुछ भी एनी रिक्वायरमेंट, कोई स्टेशनरी आइटम चाहिए, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बर्थडे आ रही है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, घर में वेडिंग है, अच्छी सी ड्रेस खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, आज घर में खाना खाने का मन नहीं है, चलो कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं बाहर जाके खा के आते हैं, आज बहुत अच्छा सा वेदर है, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। तो कहीं भी आप जाते हो, तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, सो यू रिक्वायर एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू दीज प्लेसेस। इन सब जगह पे जाने के लिए हमें कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो चाहिए, पैदल पैदल हम नहीं जाएंगे। सो ऑल दिस इन्वॉल्व ट्रैवलिंग, ये सारी चीजों में तो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। सो दैट इज व्हाई ट्रैवलिंग इज इवन फॉर कमिंग टू स्कूल, आप जो स्कूल से हम आप हो चाहे मैं हूं, टीचर्स जो स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये भी तो ट्रैवलिंग है, ऑल दीज इन्वॉल्व ट्रैवलिंग। कहीं पे भी हम जाते हैं, हॉलीडेज हैं, छुट्टियों में कहीं किसी दूसरी जगह पे घूमने जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन जाते हैं, कहीं सी बीच पे जाते हैं घूमने, तो क्या करते हैं, ऑल दीज इन्वॉल्व ट्रैवलिंग। ये सारी चीजें जो है इन सब में ट्रैवलिंग की जरूरत पड़ती है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज मेनी वेज ऑफ ट्रैवलिंग। नाउ देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, मेनी वेज ऑफ ट्रैवलिंग। जैसा हमने पढ़ा कि देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है दे कैन बी यूज्ड ऑन लैंड, ऑन वॉटर एंड इन एयर। ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये लैंड, वॉटर, एयर कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। सो लैंड, बाय लैंड जो हम ट्रेवल करते हैं, बाय एयर ट्रेवल करते हैं एंड बाय वॉटर, दीज आर नोन एज मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग।
ठीक है, ट्रैवल हम बाय एयर भी कर सकते हैं, वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एयर, वी कैन ट्रैवल थ्रू वाटर एंड वी कैन ट्रैवल थ्रू लैंड व्हीकल्स. सो दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. सो व्हीकल्स, सो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इज ऑफ थ्री टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं. वन इज लैंड ट्रांसपोर्ट, देन सेकेंड इज वॉटर ट्रांसपोर्ट. वॉटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, सो दीज आर द थ्री मेन वेज ऑफ ट्रेवलिंग, लैंड ट्रांसपोर्ट, वॉटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, सो देर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट which can be used on land, on water and in air. They can be used on land, in water and in air. Okay? मतलब ये जो अलग अलग means of transport है इनको हम land पे use कर सकते हैं, ये land पे use होते हैं, water में use होते हैं, air में use होते हैं. The vehicles which run on land are known as means of land transport. ठीक है, जो व्हीकल्स वाटर पे चलते हैं दे आर नोन एज मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड द व्हीकल्स विच ट्रैवल इन एयर आर नोन एज मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. नाउ लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रैवलिंग. जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो सबसे कॉमन वे है ट्रैवलिंग का. मैक्सिमम लोग जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट लाइक साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर्स लाइक मोटरबाइक, स्कूटी, स्कूटर, देन ऑटो रिक्शा इज देयर, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा इज देयर, देन फोर व्हीलर्स, कार्स की इतनी सारी स्मॉल कार्स आर देयर, बिग एसयूवीज आर देयर. ठीक है, बस इज देयर, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, all these are land transport and these are the most common means of traveling. Land transport, so they move on land. Land transport जो होते हैं वो कहाँ move करते हैं, they move on land. All pictures given on previous pages are the means of land transport. Among them the train is the fastest, it runs on railway tracks. अभी जो प्रीवियस टू पेजेस, दैट मीन्स दीज पिक्चर्स, ये सारी जो हमने पिक्चर्स देखी एंड दीज पिक्चर्स, दीज आर ऑल मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. दीज आर ऑल डिफरेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. सो लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इसमें भी सबसे कॉमन क्या है, दैट इज ट्रेन. ट्रेन इज द fastest, it is सबसे common transportation means of transportation is train. It is the fastest and it can carry so many people at the same time. Train में एक साथ कितने सारे लोग travel करते हैं, thousand of people travel at the same time. अपनी private जो vehicle से करेंगे एक बार में कितने, at the most one or two, three, four अगर लोग share करते हैं अपनी car तो एक साथ में three or four people will travel. कार में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं. सो ट्रेन जो है, ट्रेन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट एंड इट इज द फास्टेस्ट ऑल्सो. जैसे मेट्रो ट्रेन से, दिल्ली में मेट्रो ट्रेन इज देयर, कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन है. मेट्रो ट्रेन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक तो दे आर वेरी फास्ट, दे आर मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. मेट्रो ट्रेन है, बस है, दीज आर ऑल मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वाराणसी में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हाउ डू वी ट्रेवल वाराणसी सिटी के अंदर,
या तो अगर डिस्टेंस कम है तो हम रिक्शे पे जाते हैं, और वी गो बाय आवर ओन व्हीकल, हम अपने व्हीकल से ट्रेवल करते हैं, या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं लाइक रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, टोटो है या बस है. ओके और तो यहाँ पे बनारस में तो वाराणसी में और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है. लाइक जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मेट्रो ट्रेन इज देयर. मेट्रो ट्रेन कैरीज पीपल इनसाइड द सिटी ओनली. मेट्रो ट्रेन एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं जाती है. सिंस दीज आर बिग सिटीज, इनमें एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो मेट्रो ट्रेन जो है वो सिटी के अंदर ही एक एरिया से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है. सो लॉट ऑफ पीपल ट्रेवल इन मेट्रो ट्रेन्स. व्हाई? बिकॉज फर्स्टली इट इज वेरी फास्ट, बहुत तेज चलती है. तो बाय रोड जिस डिस्टेंस को हम 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, बाय मेट्रो वी कैन कंप्लीट द सेम डिस्टेंस इन 1/2 आवर. एक तो ट्रेन में रास्ते में हमें कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है. रास्ते में तो जब बाय रोड हम जब ट्रेवल करते हैं तो लॉट ऑफ ट्रैफिक जाम इज देयर, रेड लाइट होती है, वहां पे वेट करना होता है. बट मेट्रो ट्रेन से जब ट्रेवल करते हैं सो देयर इज नो ट्रैफिक जाम, कोई रास्ते में ट्रैफिक जाम नहीं होता है. बहुत स्पीड में ट्रेवल करते हैं मेट्रो ट्रेन्स, सो दे आर अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो जहां पे जिन सिटीज में मेट्रो ट्रेन है, लॉट ऑफ पीपल प्रेफर ट्रेवलिंग बाय मेट्रो ट्रेन. एक तो यह है कि अपने से ड्राइव नहीं करना पड़ता है. बहुत सारे लोग आराम से जाकर के मेट्रो में ट्रेवलिंग के टाइम पे सो जाते हैं, आराम से हेडफोन लगा के गाना सुनते हैं, सो जाते हैं. दे कैन रिलैक्स ऑल्सो. सो दीज आर, मेट्रो ट्रेन इज अ मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एंड जितने भी अभी हमने जो लैंड ट्रांसपोर्ट बताया, वॉट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, द एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल्स कुड बी साइकिल, रिक्शा, देन ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, देन ई रिक्शा जिसको यहां पे टोटो बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जिसको बोलते हैं, देन मोटरबाइक्स, मोटरबाइक्स आर देयर, स्कूटर्स, स्कूटी, देन कम्स फोर व्हीलर्स, कार, बस, जीप, ट्रक, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन. ठीक है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. जैसे इन मुंबई मेट्रो ट्रेन इज नॉट देयर, लोकल ट्रेन्स आर देयर. लोकल मतलब जो मुंबई के अंदर ही, वो जो एक आसपास की भी जो थोड़े से सिटीज होते हैं, आसपास के जो एरियाज होते हैं उनको जो कनेक्ट करती है. सो मुंबई में लोकल ट्रेन इज देयर, पीपल ट्रेवल बाय लोकल ट्रेन. अगेन द सेम एडवांटेज, एक तो 1000 ऑफ पीपल कैन ट्रेवल एट द सेम टाइम, टाइम कम लगता है ना, ट्रैफिक जाम वगैरह कुछ नहीं है, टाइम कम लगता है, एंड बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं. सो लैंड ट्रांसपोर्ट्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. And among all these land transport, train is the most common and it is the fastest. What is the difference between train and other means of transport? Other means of land transport and train mein kya difference hai? All other means of transport run on road. Ye sare road pe chalte hain except for train. The train runs on tracks. ट्रेन तो देखा है ना, ट्रेन रोड पे नहीं चलती है. ट्रेन जो है वो ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक होता है, जो जिसको हिंदी में पटरी कहते हैं, तो ट्रेन रन्स ऑन ट्रैक्स. जैसे ट्रेन है और मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन भी ट्रैक पे रन करती है. मेट्रो ट्रेन जो होती है वो अंडरग्राउंड भी जाती है, मतलब वो रोड के नीचे भी चलती है. एंड यू मस्ट हैव सीन, बहुत सारे बच्चे आप लोग दिल्ली गए होंगे, देखा होगा, वो ऊपर से भी जाती है. मेट्रो ट्रेन जो है वो
अंडर द रोड बीच ट्रेवल जाती है एंड रोड के ऊपर से भी आपने देखा होगा, रोड के ऊपर से भी मेट्रो ट्रेन जाती है. तो ट्रेन एंड मेट्रो ट्रेन दे रन ऑन ट्रैक्स, रेस्ट ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रन ऑन रोड. ठीक है, ये सारे रोड पे चलते हैं एक्सेप्ट फॉर ट्रेन एंड मेट्रो ट्रेन विच रन ऑन ट्रैक्स, हिंदी में जिसको पटरी बोलते हैं. ओके, इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन इज गतिमान एक्सप्रेस विच रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड आगरा. जो ट्रेन होती है, ट्रेन की भी अपनी स्पीड होती है. सबसे जो तेज चलने वाली ट्रेन है इंडिया की, दैट इज गतिमान एक्सप्रेस. हिंदी में गति, गति का मतलब है स्पीड. जो स्पीड होती है उसको हिंदी में कहते हैं गति. तो गतिमान एक्सप्रेस मतलब बहुत तेज चलती होगी, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी. मतलब सबसे ज्यादा इस ट्रेन की स्पीड है इंडिया में. ऑफकोर्स इन इंडिया, नॉट इन द वर्ल्ड, इन इंडिया में सबसे फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज चलने वाली. फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज, और फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है इंडिया में, दैट इज गतिमान एक्सप्रेस. ठीक है, ये गतिमान एक्सप्रेस जो है वो न्यू दिल्ली से आगरा के बीच में रन करती है. जैसे ट्रेन जब जाती है, जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते होगे तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आते हैं ना. एक जगह से ट्रेन एक मेन स्टेशन से स्टार्ट होती है और दूसरे स्टेशन तक जाती है, जैसे वाराणसी से न्यू दिल्ली. ठीक है, वाराणसी से न्यू दिल्ली ट्रेन जा रही है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम वाराणसी. रास्ते में अलग अलग स्टेशन आते हैं, फिर दिल्ली तक पहुंचती है, फिर दिल्ली से स्टार्ट होती है, रास्ते में अलग अलग स्टेशन आते हैं एंड देन इट कम्स टू वाराणसी. तो जो गतिमान एक्सप्रेस है, इट रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड आगरा. बीच में मे बी न्यू दिल्ली एंड आगरा के बीच में हार्डली 1 or 2 स्टेशन आता होगा. सो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है. न्यू दिल्ली से आगरा जाने वाली बहुत सारी ट्रेन है, बट दिस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, गतिमान एक्सप्रेस. ओके, सो दीज आर द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. नाउ वॉटर ट्रांसपोर्ट. वॉटर वॉटर ट्रांसपोर्ट, वॉटर ट्रांसपोर्ट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच ट्रेवल इन वॉटर. जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉटर में ट्रेवल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको वॉटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. जो लैंड पे चलते हैं दे आर नोन एज लैंड ट्रांसपोर्ट, जो वॉटर में चलते हैं दे आर नोन एज वॉटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, दे मूव ऑन वॉटर. सम ऑफ देम आर सेल बोट, राफ्ट, बोट एंड शिप. ट्रांसपोर्ट जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दे आर मेनली यूज फॉर कैरिंग पीपल. जितने भी ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अगर हम मेरे अपने अगर पर्सनल ट्रांसपोर्ट होता है, देन ऑल्सो वी यूज देम फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम ट्रेवलिंग के पर्पज से यूज करते हैं. और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लाइक ऑल अदर रिक्शा है, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, देन बस, जीप, ट्रक, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, दीज आर ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो दे आर यूज फॉर कैरिंग पीपल. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये सारे मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. तो सिमिलरली वॉटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, बहुत जगह क्या होता है जहां पे विच इज नॉट रीचेबल बाय रोड. बहुत सारे रिमोट विलेजेस होते हैं, जैसे बहुत रिमोट का मतलब है बहुत अंदर जो होते हैं. सो देर आर सो मेनी विलेजेस विच आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली रिमोट, वहां तक लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं जा पाता है. बसेस वहां पे रोड्स अच्छी नहीं है, बसेस नहीं जा पाती हैं, रेलवे स्टेशन नहीं है. तो बहुत जगह ऐसी है जहां पे जाने के लिए लोगों को वाटर ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है. ठीक है, जैसे बोट है, शिप है. ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ द पीपल यूज लैंड ट्रांसपोर्ट ओनली, बट जैसे बहुत बार क्या होता है रेनी सीजन में जब पुल वगैरह कई बार टूट जाते हैं, तो एक साइड से रिवर है, बीच में पुल टूट गया. पुल कहाँ होता है, पुल रिवर के ऊपर बना होता है टू क्रॉस द रिवर. बारिश में कई बार होता है रेनी सीजन में पुल वगैरह जब टूट जाते हैं, तो एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए, रिवर को क्रॉस करने के लिए लोग बोट यूज करते हैं. मोटर बोट है या सेल बोट है, जैसे भी जाते हैं. ठीक है, तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो वॉटर में यूज होते हैं, दे आर नोन एज मीन्स ऑफ वॉटर ट्रांसपोर्ट, लाइक बोट, शिप, सेल बोट,
राफ्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑल दीज आर नॉट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे राफ्ट है, राफ्ट इज नॉट, वी कैन नॉट कॉल इट अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज नॉट यूज फॉर टेकिंग पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। राफ्टिंग है, सेल बोट है, दीज आर ऑल यूज इन वॉटर स्पोर्ट्स, ये सब वॉटर स्पोर्ट में यूज होता है। टूडे आई विल स्टॉप हियर ओनली चिल्ड्रेन, वी हैव डन लैंड ट्रांसपोर्ट, वॉटर ट्रांसपोर्ट, अभी वॉटर ट्रांसपोर्ट में और बताऊंगी, एंड देन वी विल बी डूइंग एयर ट्रांसपोर्ट। सो टूडे आई विल स्टॉप हियर ओनली चिल्ड्रेन, आई होप वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन इट इज क्लियर टू यू ऑल। नहीं समझ में आया है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास। थैंक यू चिल्ड्रेन।